नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी एसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपी एसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखते हैं कौन सा सेक्शन आता है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है बुद्धा वॉज बॉर्न एट, तो बुद्धा का जन्म कहाँ पर हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन ए जो है उसे आंसर। अगर आप डेली वीडियोज देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपने एक बार पहले भी किसी वीडियो में देखा होगा। अब बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ। ये क्वेश्चन जो है वो क्लरिकल के एक एग्जाम में पूछा गया था कुछ टाइम पहले। अब देखिए, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसके अलावा ये भी पूछा है कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, तो इनकी मृत्यु जो था वो कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध का बचपन का नाम पूछा जाता है। बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध की माता का नाम पूछा जाता है। बुद्ध की माता का नाम माया देवी है। और बुद्ध के पुत्र का नाम पूछ लिया जाता है। बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। और बुद्ध के घोड़े का नाम पूछ लिया जाता है, तो बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। आपको लगेगा कि ये नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 123। 123 में पूछते हैं विद हुज रेन इज द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एसोसिएटेड, तो किसके शासनकाल के साथ गंधार स्कूल आर्ट जो है वो जुड़ा हुआ है? ये जो गंधार स्कूल आर्ट है ये किसके शासनकाल के साथ जुड़ा हुआ है? ये ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कनिष्क के साथ जो है वो जुड़ा। अब कनिष्क के बारे में जानिए। कनिष्क जो था ना, ये एक फेमस कुषाण शासक था। कनिष्क की दो राजधानियां थी। पहली राजधानी इसकी पेशावर में थी और दूसरी राजधानी जो था इसकी मथुरा में थी। उसकी राजधानियां याद रखिए। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि चरक जो था वो किसके दरबार में विद्वान थे। चरक किससे संबंधित है? चरक जो था वो कनिष्क के कार्यकाल के दौरान ही जो था एक विद्वान हुआ करते थे। इन्हीं के ये कंटेम्प्रेरी थे, इन्हीं के दरबार में ये होते थे। तो ये दो तीन क्वेश्चन तो कनिष्क से रिलेटेड जो है वो एग्जाम में डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। 124 देखिए, 124 में पूछते हैं लोधी डेंसिटी वॉज फाउंडेड बाय, लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब बहलोल लोधी ने की थी लोधी वंश की स्थापना। पानीपत का पहला युद्ध सुना है ना आपने, कब हुआ था? 1526 में। ये भी लोधी डायनेस्टी के साथ संबंधित है। कैसे संबंधित है? जो लोधी वंश के अंतिम शासक थे जिनका नाम था इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी को जो था वो मुगल शासक बाबर ने जो था वो 1526 में जो था वो पानीपत के पहले युद्ध में पराजित किया था। और यहाँ से जो था वो मुगल सत्ता का शुरुआत हो गई थी और यहाँ से लोधी डायनेस्टी जो था वो समाप्त हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट सिनेरियो है यहाँ से। ये इब्राहिम लोधी का नाम याद रखना है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, ये याद रखना है। इसमें इब्राहिम लोधी हार गया था बाबर के हाथों, ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 125। पानीपत की दूसरी लड़ाई भी हुई, पानीपत की तीसरी लड़ाई भी हुई, उससे पहले आप ये जान लीजिए अगले क्वेश्चन से पहले। तो एक बार इनको भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई। 1556 में जो था वो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, ठीक है, ये दूसरी लड़ाई हुई थी। और 1761 में जो था वो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो ये तीनों लड़ाइयों के बारे में आप याद रखिए ये कब कब हुई थी। और बक्सर के युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, तो वो कमेंट करके आप बता दीजिए कि कब हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं मुगल पेंटिंग फ्लोरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम तीन चार बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन थोड़े थोड़े गैप के बाद पूछा जाता है और फिर बच्चे भूल भी जाते हैं। तो देखो, ये जो मुगल चित्रकला थी इसका विकास जो था वो किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान इसका विकास हुआ था। जहांगीर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये पूछ जाता है कि इसका बचपन का नाम क्या था। तो उसका बचपन का नाम था सलीम। सलीम को जहांगीर कहा जाता था। जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? इसकी आत्मकथा का नाम है तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी किसने लिखी थी? ये जहांगीर के द्वारा लिखी गई थी। जहांगीर के शासनकाल के दौरान जो था वो कैप्टन हॉकिंस के द्वारा भी विजिट किया गया था और कैप्टन हॉकिंस के बाद जो था वो थॉमस रो, सर थॉमस रो के द्वारा भी जो था विजिट किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी जहांगीर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। 126 देखिए, यहाँ पर पूछते हैं हु वॉज द फर्स्ट पोर्टुग्यू वायसराय इन इंडिया, तो भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था ये पहला पुर्तगाली वायसराय था भारत में। अच्छा, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है ना, तो आपको एक चीज़ यहाँ से रिवाइज करवा देता हूँ। आपने सुना होगा ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो था ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा ही जो था वो इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये अगर आपने पढ़ा था तो रिवाइज कर लीजिए, अगर नहीं पढ़ा था तो इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है खालसा वॉज फाउंडेड बाय, तो खालसा किसके द्वारा स्थापित किया गया?
अब खालसा पंथ जो था इसकी स्थापना किसने की थी, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ लोग गुरु नानक देव कर कर आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है इसका सही आंसर है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे सबसे पहले, तो गुरु नानक देव सिख धर्म के सबसे पहले प्रवर्तक थे। गुरुमुखी लिपि के जन्म किसको कहा जाता है, तो गुरुमुखी लिपि जो है इसके जन्म कहा जाता है गुरु अंगद को। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, ये रामदास के द्वारा की गई थी, गुरु रामदास जी के द्वारा। और कब की गई थी, तो 1577 1570 में जो था इसकी स्थापना की गई थी। तो ये तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। खालसा पंथ इंपॉर्टेंट था, इसको आप याद रखिए। दूसरा, आप अमृतसर शहर के बारे में याद रखिएगा और गुरुमुखी लिपि के बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्पॉय म्यूटिनी टुक प्लेस इन द ईयर, तो स्पॉय म्यूटिनी कौन से वर्ष हुई थी। स्पॉय म्यूटिनी जो था ये 1857 में हुई थी। 1857 का विद्रोह जो आपने सुना है ना, उसको स्पॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन पूछ जाता है कि 1857 का विद्रोह जो था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये 1857 का विद्रोह यानी कि स्क्वाय मीटिंग जो था वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी। अब मेरठ से ये स्टार्ट हुई थी, कहाँ कहाँ तक की फैल गई थी जाकर। देखो इसके जो मुख्य केंद्र थे उनमें दिल्ली भी आता है, कानपुर आता है, लखनऊ आता है, झांसी आता है, फैजाबाद आता है, इलाहाबाद आता है, बरेली आता है, और भी हैं, परंतु ये फेमस फेमस मैंने आपको बता दिए। अगर हम बात करें कि दिल्ली में इस विद्रोह की नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो दिल्ली में इसका नेतृत्व या फिर इसके विद्रोही नेता थे बहादुर शाह और भगत खान। कानपुर में कौन थे, कानपुर में नाना साहेब और तांते टोपे थे। लखनऊ में कौन थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। झांसी में तो आपको पता है रानी लक्ष्मी बाई थी। अब झांसी के बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि झांसी में इस विद्रोह को कुचलने वाले जो सैन्य अधिकारी थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था जनरल ह्यूरोज। इनका नाम भी आप याद रखिए, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। 129 में पूछते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड, पहली संसदीय स्वरूप की सरकार का निर्माण कहाँ किया गया। तो ये तो आप इजीली गैस भी कर सकते हैं कि कहाँ पर किया गया था, ये ब्रिटेन में किया गया था। पहली जो संसदीय स्वरूप की सरकार थी उसका गठन, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कहाँ पर किया गया था, ब्रिटेन में किया गया था। अब देखो वैसे तो रिवाइज करने को बहुत कुछ हो सकता है, परंतु आप ये याद रख सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बोरो किया गया है। एक तो रूल ऑफ लॉ जो है हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिए हैं, दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से ली है, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से ली है, और सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली है, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही बोरो की है। तो ये सब आप याद रखिए। आगे पूछते हैं, 130 में आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वो भारत को घोषित करता है, क्या घोषित करता है ये भारत को, तो ये इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का संघ जो है वो डिक्लेयर करता है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात हुई है, तो सभी आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट हैं कुछ उनको मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आर्टिकल 1 में क्या कहा जाता है, आर्टिकल 1 में कहा जाता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ये जो है आर्टिकल 1 में कहा जाता है। आर्टिकल 44 एग्जाम में पूछा जाता है, आर्टिकल 44 में जो है वो किसकी बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है बात की गई है। आर्टिकल 40 में किसकी बात की गई है, आर्टिकल 40 में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की गई है। आर्टिकल 51A में क्या बात की गई है, आर्टिकल 51A में जो है वो बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। बाकी फंडामेंटल राइट्स हमारे अलग से हैं, राइट टू इक्वलिटी हो गया, ये आर्टिकल 14 में आता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये आर्टिकल 15 में आता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये आर्टिकल 16 में आता है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है ये आर्टिकल 17 में आता है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स जो है ये आर्टिकल 18 में आता है। ये तो हो गए आर्टिकल जो राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है। बाकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये भी एक आर्टिकल है, ये कौन सा आर्टिकल है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। बाकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बता दिया। आगे पूछते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी इज आ, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है। देखो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है, ये एक लीगल राइट है, ऑप्शन बी सही आंसर है। देखो राइट टू प्रॉपर्टी जो था ये पहले फंडामेंटल राइट होता था, परंतु इसको डिलीट कर दिया यहाँ से। डिलीट कैसे किया, इसको डिलीट करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इस्तेमाल किया गया, उससे इसको डिलीट कर दिया और इसको क्या बना दिया गया, इसको लीगल राइट बना दिया गया। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम यहाँ पर जो था वो कितने फंडामेंटल राइट होते थे, 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे।
फिर क्या किया इन्होंने, इसको डिलीट कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी को। अब प्रेजेंटली जो है वो कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो प्रेजेंटली 6 फंडामेंटल राइट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये आपको याद रखना है। आगे पूछते हैं कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो कैग को कौन अपॉइंट करता है, कैग को अपॉइंट करता है प्रेजिडेंट के द्वारा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब कैग को तो प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं। कैग से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में देखो रिपीटली पूछे जाते हैं, एक तो यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब एक तो पूछा जाता है कि कैग का जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो कितना होता है, कितने पीरियड के लिए ये ऑफिस को होल्ड करते हैं, तो ये 6 ईयर और 65 ईयर, जो भी इनमें से पहले होगा उसको ये होल्ड करते हैं। अगर ये 6 ईयर मतलब कंप्लीट कर लेते हैं तब ये रिटायर हो जाएंगे, या फिर ऑफिस को इनको छोड़ना पड़ेगा, या फिर ये 65 ईयर्स पहले कवर कर लेते हैं तो 65 ईयर्स की एज में ही इनको छोड़ना पड़ेगा। 6 ईयर और 65 ईयर्स का मतलब आप ये समझे। कैग से रिलेटेड आर्टिकल भी हैं। आर्टिकल 148 क्या कहता है, आर्टिकल 148 जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 148। उसके बाद आर्टिकल 149 में, जिसमें कैग की ड्यूटीज और पावर्स की बात की गई है, तो आर्टिकल 149 भी साथ में याद रखिए। तो ये दोनों आर्टिकल याद रखने हैं। हो सकता है ये HAS एलाइड वगैरह एग्जाम में इस तरह के एग्जाम्स में पूछ जाते हैं। आगे पूछते हैं द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, तो दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, तो दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि होती है उसे दोआब कहा जाता है। दोआब यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अब दोआब का आपको पता चल गया ना किसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछते हैं डिवेल्युएशन यूजली काउजेज द इंटरनल प्राइजेज टू, तो अवमूल्य आमतौर पर आंतरिक कीमतों को जो है वो क्या करता है, तो ये रिमेन अनचेंज्ड ही रखता है, यानी कि स्थिर रखता है उनको। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो डिवेल्युएशन होता क्या है, देखो डिवेल्युएशन का मतलब होता है कि अपनी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू को जो है वो ऑफिशियली जो है वो लो कर देना, यानी कि कम कर देना उसकी वैल्यू को। 45 यहाँ पर पूछते हैं इन विच स्टेट इज जोग फॉल लोकेटेड, तो जोग प्रताप किस जिले में स्थित है या फिर किस राज्य में स्थित है। जोग प्रताप कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक में पड़ता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ से आप ये याद रखिए कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये कौन सी रिवर के ऊपर हुआ बना हुआ है, तो ये कौन सी रिवर के ऊपर है, ये सारावती रिवर के ऊपर है। अच्छा अब यहाँ से जो है ये सब इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 146। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो टेलीग्राम का लिंक नीचे है, अगर काम नहीं करता लिंक आपके पास तो आप इस तरह से @allexam31 जो है अपने टेलीग्राम से सर्च कर सकते हैं, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। 10,000 से अधिक फॉलोअर हमारे टेलीग्राम पर है तो आपको ईजिली हमारा चैनल मिल जाएगा। हम टाइम टू टाइम आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की PDF इंपॉर्टेंट PDF जो है वहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। 146 में पूछते हैं ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज लोकेटेड, हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी के ऊपर बना हुआ है, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब डैम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो डैम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। एक तो हीराकुंड डैम ये महानदी पर बना हुआ है, कौन से स्टेट में है, ये उड़ीसा में ये पड़ता है। नागार्जुन सागर डैम ये कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। चंबल डैम जो है चंबल डैम चंबल रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। इडुकी प्रोजेक्ट, इडुकी प्रोजेक्ट जो है ये पेरियार नदी के ऊपर बना हुआ है और केरला में स्थित है। टिहरी डैम, टिहरी डैम उत्तराखंड में स्थित है और भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। कोसी प्रोजेक्ट जो है वो कौन से स्टेट में स्थित है, पहले तो कोसी प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर है, ये कोसी नदी के ऊपर है, कौन से स्टेट में है, ये बिहार में ये पड़ता है, तो ये सब यहाँ से याद रखें। आगे पूछते हैं द चेंज ऑफ सॉलिड इंटू वेपर डायरेक्टली इज कॉल्ड, जब कोई भी ठोस पदार्थ जो है वो सीधे रूप से जो है वो वेपर में परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो जब वाष्प में ये परिवर्तित हो जाता है तो उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन यानी के ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये प्रोसेस सब्लिमेशन प्रोसेस होती है, बस यहाँ से आपको इतना ही याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे पूछते हैं पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, तो ध्वनि की पिच जो है वो किसके ऊपर आधारित होती है, तो पिच ऑफ साउंड डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी के ऊपर, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। फ्रीक्वेंसी के यूनिट कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं हर्ज, इनको HZ करके भी डिनोट किया जाता है, ये फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं। बाकी देखिए दूसरा चैनल हमारा जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और इम्पॉर्टेंट हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज हम आपको बताते रहते हैं। तो
दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।